हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि अगर सरकारी महकमे में रहते हुए आपसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई अमल में लाता है, और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो आप पर इंक्वायरी होती है, तो उसका आपको जवाब किस प्रकार देना है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा सकूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये ज्ञापन है, आप देख सकते हो, ये आप डिस्पैच नंबर देख सकते हो, ये 15/12/2020 का है, ठीक है। जो हमारे ऊपर जो डिपार्टमेंटल रूल लगते हैं वो 1962 के हैं, ठीक है, क्लेरिकल रूल, उसके तहत मेरे ऊपर इन्होंने ज्ञापन दिया था। अब जो मोटी मोटी बात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके द्वारा संजय सिंह लिपिक को इस ज्ञापन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर लिखित रूप में अपना जवाब देना होगा, ठीक है। यानी बेसिकली मुझे 15 दिन का टाइम दिया गया था कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट आपको उस पर्टिकुलर जिसके लिए आपको ज्ञापन दिया गया है तो उसका उससे रिलेटेड अगर आप अपना कोई सरकारी जो रिकॉर्ड है अगर आप उसको देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको रिटर्न में देना होगा कि मैं अपने उस दस्तावेजों को वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, ये मुझे कॉपी किया गया था। इसके अलावा आप देख लेते हैं इसका मैंने क्या जवाब दिया, जो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई थी इसमें दोस्तों क्या हुआ था। एक जो मोटा मोटा सा मैं आप लोगों को बताया था, इसमें जो हुआ था, एक डिस्पैच नंबर लगाना था, वो डिस्पैच नंबर मैंने लगा दिया था, लेकिन गलती से वो डाक पर्टिकुलर जेल पे जानी थी, वो पर्टिकुलर जेल पर नहीं पहुंच पाई थी, ठीक है। तो इस वजह से मेरे ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी, और ठीक है, लेकिन मैंने इसमें अपना क्या जो जवाब दिया था, देखो मैंने क्या लगाया था, मैंने इस पर डिस्पैच नंबर लगाया था 11/1/2019 को, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, 11/1 को उस दिन था फ्राइडे, और फ्राइडे को बाद दोपहर से पहले ही जो डाक होती है ऑलरेडी डिस्पैच कर दी जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर जो आपने आपको पता होगा जो डिस्पैचर होता है, डिस्पैच नंबर लगा के उसको लिफाफे में डाल के और उस पर पर्टिकुलर डाक टिकट लगा के उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को भिजवानी होती है, ठीक है। मैंने क्या किया, उस दिन फ्राइडे था तो इस वजह से मैंने उस डाक का नंबर तो लगा दिया, लेकिन मैं उसको लिफाफे में बंद करके मैं उसको नहीं भिजवा पाया, ठीक है, क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, इस वजह से मेरे भी ध्यान से निकल गया। और अगले दिन क्या था, सैटरडे संडे था, छुट्टी थी, और 12/12 को मेरी जगह किसी और की ड्यूटी थी, ठीक है। तो इस वजह से वो मेरे ध्यान से निकल गया, तो इस वजह से क्या हुआ, वो डाक पर्टिकुलर जहाँ पर जानी थी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाई, ठीक है। तो इस वजह से ये था पूरा मैटर। तो इसमें मैंने लगाया कि 12/12 को प्रार्थी की ड्यूटी डिस्पैच में नहीं थी, इसलिए संबंधित जो डिस्पैचर की ड्यूटी थी उसको वो भिजवानी थी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमेशा आप ये कोशिश करना, जब आप अपना पूरा मैटर बता दोगे ये मैटर था, उस पर लास्ट में आपको ये पर्टिकुलर लाइन लिखनी होती है, ठीक है, आप पर कैसी भी कार्रवाई हो, ठीक है। मैंने इसमें लिखा है कि प्रार्थी द्वारा जो कार्य दिया गया था उसे पूरी लगन व ईमानदारी से किया गया, तथा प्रार्थी द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही नहीं की गई है, लेकिन फिर भी यदि अधिकारीगण को लगता है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की चूक हुई है तो प्रार्थी इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है, और भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं करेगा, इसलिए जारी ज्ञापन को फाइल करने का कष्ट करें, ठीक है। ये दोस्तों मैंने अपनी दलील दी थी, ठीक है। मैं लास्ट में आप क्या किया करो, आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चालू होती है तो अपना जवाब में लास्ट में आप उसमें माफ़ी मांग लिया करो, और मैटर को फाइल करने के लिए आप एक तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता, ये तो हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट का एक और लेटर मुझे मिला, वो पर्टिकुलर आप देख सकते हो, ये मेरे को जो चार्जशीट हुई थी, रेफरेंस योर लेटर 4/1/2020 और चार्जशीट ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबो। इसमें दोस्तों उसके बाद क्या होता है, डिपार्टमेंट आपको जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसके सामने पेश होने की लिए आपको एक टाइम देता है, ये आप देख सकते हो। पर्सनल हियरिंग का मुझे टाइम दिया गया 14 जनवरी 2021 को, ठीक है। उस समय दोस्तों कोरोना चल रहा था, तो इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरी जो पेशी हुई थी वो हुई थी हमारे जो डायरेक्टर थे उसके सामने, ठीक है, ये मुझे लेटर रिसीव हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जो डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर जो फाइनल कार्रवाई की दोस्तों, ये पूरा मैटर था, उसमें क्या हुआ था, ठीक है। ये मैटर दोस्तों कुछ इतना बड़ा नहीं था, उससे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं हुआ किसी पे, तो इस वजह से लास्ट में डिपार्टमेंट ने
क्या इंक्वायरी करी मेरे पर आपने? कर्मचारी को दिए गए अभिकथन, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरांत कर्मचारी द्वारा खेद प्रकट करने को ध्यान में रखते हुए मामले में दयनीय विचार लेते हुए संजय सिंह लिपि को परिनिंदा का दंड दिया जाता है, ठीक है? तो बेसिकली मेरे को सेंसर किया गया था। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो यानी सेंसर आती माइनर चार्जशीट में। माइनर चार्जशीट मैंने आप लोगों को बताया था, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वीडियो एक बार और देख लेना, ठीक है? और जो सेंसर की आपकी, अगर आपका गलती ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, उससे डिपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आपको सेंसर की सबसे जो पहली चार्जशीट दी जाएगी आपको सेंसर की दी जाएगी। सेंसर में क्या होता है, आपका ना तो आपके इंक्रीमेंट्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है उसका, नहीं आपके प्रमोशन पे कोई इफेक्ट पड़ता, ठीक है? एक तरीके से घोर परिनिंदा, यानी डिपार्टमेंट एक तरीके से आप लोगों को चेतावनी देता है, ठीक है, आप फ्यूचर में इस तरीके की गलती आप ना करें, ठीक है? तो इस वजह से मेरे ऊपर कोई ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर हमेशा आप ध्यान रखना कि आप आपके ऊपर चार्जशीट दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी मेजर और एक होती है माइनर। माइनर चार्जशीट में आपको सेंसर कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका विदाउट फ्यूचर इफेक्ट से आपका एक या दो इंक्रीमेंट्स आपके रोके जा सकते हैं, ठीक है? वो आप अपील कर सकते हो कंपिटेंट अथॉरिटी से, वो आपके फिर रिडीम भी हो जाते हैं, ठीक है, थीके? वो आपके वापस लग भी जाते हैं। उसके बारे में दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपके, अगर जो आपके इंक्रीमेंट से अगर वो फ्यूचर इफेक्ट और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट से बंद कर दिए गए हैं, तो आप उस पर किस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।